सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलवंत और सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पॉट टिप्स पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि होटल मैनेजर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। अब दोस्तों इसमें है ना, सबसे पहले आपको ध्यान देने की बात यह है कि होटल मैनेजर बनने के लिए आप 4 स्टार 5 स्टार जो भी प्रॉपर्टी होती है, फिर दोस्तों क्रूज लाइन होती है, दोस्तों आउट ऑफ इंडिया भी है, तो दोस्तों आप हर जगह होटल मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है और दोस्तों आप हर जगह पर जाकर होटल मैनेजर बन सकते हैं। पर दोस्तों इसके अंदर आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों आपको डिग्री या डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट के अंदर आपका किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, यानी दोस्तों आप चाहे तो प्रोडक्शन में जा सकते हैं, चाहे तो आप हाउसकीपिंग में जा सकते हैं, चाहे तो आप F&B सर्विस में जा सकते हैं, चाहे तो आप फ्रंट ऑफिस में जा सकते हैं, इन सभी में से कोई एक डिपार्टमेंट के अंदर आपको जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको धीरे धीरे रैंक बाय रैंक धीरे धीरे इसमें पोस्ट वगैरह आपकी बढ़ती है, तो दोस्तों आपको बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आपको पहुंचना है। और दोस्तों जैसे ही आप किसी डिपार्टमेंट के एक मैनेजर के तौर पर पहुंचते हैं, उसके बाद दोस्तों आप कुछ टाइम लगाकर आप एज ए मैनेजर के लिए अदर होटल में या फिर अपने ही होटल जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों आप एज ए GM वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले यह लगता है कि आप सोच रहे होंगे कि यार इतने साल कितने लगेंगे, अब कम से कम भी माने तो 6-7 साल या फिर दोस्तों 10 साल भी इस प्रोसेस में लग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको एक्सपीरियंस जैसे जैसे बनता है, क्योंकि दोस्तों एज ए GM आप क्या करते हैं कि GM का काम यही होता है कि पूरा प्रबंध देखना है, दोस्तों मैनेजमेंट पूरा होटल का मैनेजमेंट उसके कंधों पे होता है, तो दोस्तों वो पूरा मैनेजमेंट उसको देखना होता है। उसके अंदर आपको दोस्तों HR डिपार्टमेंट देखना होता है, IT डिपार्टमेंट देखना होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट देखना होता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट देखना होता है, प्रोडक्शन भी देखना होता है, F&B सर्विस भी देखना होता है, फ्रंट ऑफिस भी देखना होता है, हाउसकीपिंग भी देखना होता है। तो दोस्तों ये सारे जो डिपार्टमेंट है उनको जो भी सब देखभाल होती है वो दोस्तों मैनेजर के सर पर होती है और दोस्तों मैनेजमेंट पूरा एज ए GM के अंडर में होता है। तो दोस्तों इस तरह से ना आपको पूरा एक्सपीरियंस होने के बाद आप एज ए GM अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों आपको जो भी प्रॉपर्टी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो दोस्तों एज ए GM आपको हायर कर लेती है। और दोस्तों एज ए GM जब भी आप अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपकी सैलरी जो है अच्छी खासी सैलरी होती है और दोस्तों आप अच्छा खासा पैकेज लेते हैं और दोस्तों उसको सुख सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से ना आप एज ए GM भी होटल लाइन के अंदर काम कर सकते हैं, पर दोस्तों आपको इसके अंदर सबसे पहले पैसेंस की जरूरत होती है और दोस्तों आप वो धीरे 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 जैसे एक्सपीरियंस बनता जाता है वैसे वैसे आप इसके लिए तैयार होते जाते हैं और आगे जाकर आप एज ए GM के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो भी डाउट है ना आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट है, तो दोस्तों मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर जरूर करूंगा। और दोस्तों इसके साथ साथ मेरी और भी वीडियोस आएंगी, वो भी आप देख सकते हैं होटल मैनेजमेंट के रिलेटेड। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।